बार एसोसिएशन सिविल कोड के कार्यकारिणी के चुनाव के मतगणना दूसरे दिन रविवार को भी दीवानी कचहरी परिसर में मतगणना जारी रहा। मतगणना के दौरान ही विभिन्न पद के लिए विजयी प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाते रहे, जिसके तहत रविवार को कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद में धनंजय कुमार त्रिपाठी ने जीत हासिल की। वहीं कोषाध्यक्ष पद में संजय कुमार, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय में देवेंद्र प्रताप सरोज और संयुक्त मंत्री प्रकाशन में धीरेन्द्र नाथ शुक्ल ने शानदार जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष की मतगणना देर शाम तक होती रही। आपको बताते चलें कि बार एसोसिएशन के चुनाव के तहत शनिवार को हुए मतगणना में वीरेंद्र शाही अध्यक्ष और अजय कुमार शुक्ला मंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए थे। मतगणना के क्रम में वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य और कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य का मतगणना कार्य सोमवार की सुबह 11 बजे से आरंभ होगा। बार एसोसिएशन के चुनाव में अच्छी जीत हासिल करने के बाद रविवार को बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र शाही दीवानी कचहरी पहुंचे, जहां अधिवक्ताओं ने गले मिलकर उन्हें बधाइयां दी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र शाही ने कहा, ठीक है आपकी बात, जिस रूप में आप कह रहे हो उसको स्वीकार कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल चमते की आज यहाँ कोई समस्या नहीं है, बाढ़ की कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ तो सारे जो अपने बार के सदस्य हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो साल भर में बदल जाया करता है, तो यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं होती कि। और बाकी जो अधिवक्ताओं की मूल समस्याएं हैं उसमें से बेसिकली हमारे यहाँ तो जो व्यवस्था संबंधित समस्याएं हैं थोड़ी मूलभूत तो वो बनी रहती हैं, वो रहेंगी भी, उनका निराकरण किया जाएगा। लेकिन मूलतः हमारी जो समस्या है वो समस्या हमारी शासन प्रशासन से जुड़ी हुई होती है। हम अपेक्षा करेंगे कि प्रशासन, गोरखपुर का प्रशासन हमारे बाहर के एक एक सदस्य के प्रति अपनी कर्तव्यता का निर्वहन करेगा, और शासन से हमारी विशेष रूप से डिमांड होगी, और जिसके लिए मैं विशेष रूप से सन्नद्ध होना चाहूँगा, प्रयास करूँगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी शासन स्तर से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारा एक कोष होता है वो वहाँ भी है, लेकिन उसका हिसाब किताब ठीक से नहीं रखा जाता है, और पिछले 10 वर्षों से तो उसकी ऑडिट भी नहीं कराई गई है। और मैं समझता हूँ कि हमारे करीब सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें पड़े हुए हैं, जिसका समुचित उपयोग हो जाए तो शायद पूरे प्रदेश के हर अधिवक्ता को कुछ न कुछ मिल जाया करेगा। बहुत दिनों से ये मांग है कि जो हमारे नए अधिवक्ता आते हैं उनको कुछ स्टाइपेंड दिए जाएं, लाइब्रेरियां जितनी हैं हमारी प्रदेश की वो सुदृढ़ की जाएं। तो मैं सबके लिए तो नहीं, लेकिन सामूहिक रूप से इस बात का प्रयास करने का प्रयास करूँगा कि जैसे हमारे यहाँ एक हमारे वित्त राज्य मंत्री जी हैं आदरणीय शिव प्रताप जी, वो भी इसी जिले से हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी इसी जिले से हैं, तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा और उनसे मिलकर के ये अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी बहुत सारी मांगे जो लंबित हैं अधिवक्ताओं की मूलभूत, वो इस कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में उनका निराकरण हो जाए। मैं समझता हूँ कि साल भर के मेरे कार्यकाल में यही मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे मन में। जैसे मैं जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने को आया तो मुझसे ये कहा गया कि यहाँ पर जैसे वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चुना जा सकता, तो कुछ एक परंपरा सी चल रही थी और एक यहाँ पर कुछ थी, लोगों के अंतर मन में एक भाव था।
लगता था जैसे आप सबसे संपर्क करके सबका प्रेम भाव सबके बीच परस्पर सौहार्द और विश्वास पैदा करके आप कोई उपलब्धि नहीं हासिल कर सकते। सब कुछ एक अजीब से सिस्टम में सब दौर से गुजर रहा था, तो मेरी प्रथम प्राथमिकता थी कि उस वातावरण को यहाँ से समाप्त करना। मैंने उस दिशा में काम किया और मैं आज इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि मैं उसमें सफल रहा हूँ। मुझे सभी जात धर्म के लोगों ने मत दिए हैं, सबका विश्वास जीतने में मैं सफल रहा हूँ और इस परिसर की एक नई परंपरा कायम हुई है और एक परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना हर एक हमारे अधिवक्ता बंधु में जागृत हुई है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है इस चुनाव की।